नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और वक्त हो चला है आज की बड़ी खबर का। शहर शहर बारिश का कहर, दरअसल पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आसमानी आफत से कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। यूपी में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है, तो वहीं सीएम योगी ने संबंधित जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, सीएम योगी ने पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य संचालित करने और आपदा प्रभावित लोगों को राहत राशि वितरण करने के साथ साथ जल्द निकासी के लिए प्रभावी प्रबंध करने के निर्देश दे दिए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में भारी बारिश को लेकर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य संचालित करने के निर्देश सीएम योगी ने दे दिए हैं। और आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि आपदा में फंसे लोगों को राहत देने का ऐलान भी, राहत राशि वितरण करने का ऐलान सीएम योगी ने किया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर भारी बारिश के चलते यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं। तो आपको बता दें, आसमान से बारिश आफत के रूप में बरस रही है और पूरी तत्परता के साथ राहत कार्य संचालित करने के निर्देश भी इसी कड़ी में सीएम योगी की ओर से दे दिए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि आपदा लोगों को राहत राशि वितरित की जाए, आपदा से प्रभावित लोगों के लिए सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान किया है। और आपको ग्राफिक से जरिए समझाते हैं कि यूपी में बारिश का कहर जारी है और 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है मौसम को लेकर, और लखनऊ में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। इसी के साथ बहराइच, बाराबंकी और गोंडा में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हरदोई में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है और यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ स्थिति इस समय बारिश को लेकर बनी हुई है? राजधानी लखनऊ में है आज सुबह देर रात से जो है जोरदार बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज्यादा है कि जिलाधिकारी लखनऊ को सभी स्कूल बंद करने का निर्देश देना पड़ा है। यहाँ तक के देर रात से बारिश होने की वजह से नगर निगम की कोर्ट उलटी हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ हाई कोर्ट की सड़कों पर पानी भर गया है। यहाँ जो आस पास के क्षेत्र है लखनऊ के, वो पूरे जो कॉलोनियां हैं वो तालाब बन गई है। मंत्री के घरों तक के पानी घुस गए हैं। मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है मोहम्मद तानिश, उन्होंने इंडिया न्यूज से बात की। उन्होंने बताया है कि आज पूरे दिन बारिश इसी तरह लखनऊ में रहेगी। ज्यादा बारिश गिरने के चलते बिजली गिरने की संभावना ज्यादा दिख रही है। लखनऊ में बिजली गिरने से 3-4 लोग हताहत हो गए हैं, जिनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिलों में कई जगह से बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौतों की सूचना आ रही है। आज मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जहां पर ज्यादा बाढ़ आने की स्थिति है, जहां पर ज्यादा बिजली गिरने से जो लोग जोखिम हुए हैं, उनको राहत कार्य दिया जाए, उनको राहत राशि से प्रदान की जाए। तो इस तरह से देखते हुए आज मुख्यमंत्री खुद पूरे बारिश पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो आसपास से जो बारिश का गोला बरस रहा है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के जीवन जो है अस्त व्यस्त दिख रहा है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति बहुत ही भयानक है। हर जगह पर पानी भर गया है, चाहे वो रियासी इलाका हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, तहसील थाना, हर जगह। पहले से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 10 और 11 और 12 तारीख को भारी बारिश होगी, लेकिन 10 11 तारीख को ज्यादा बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले जारी किया था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही है कि कोई भी काम नहीं किया गया। नगर निगम में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे किए गए, लेकिन स्थिति आज बारिश से
साफ नजर हो रही है, दिखाई दे रही है कि मंत्री के आवास तक पानी घुस गया। जब मंत्री के आवासों में पानी गया तब जाकर जिलाधिकारी से लेकर यहाँ पर अधिकारी के पास आएंगे। अब मैं जाना चाहूंगी अपने संवाददाता सुधांशु के पास, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति जहाँ पर भी मौजूद है बनी हुई है बारिश को लेकर। सुधांशु, क्या कुछ स्थिति वहाँ पर बनी हुई है बारिश को लेकर? देखिए, आपको बता दें कि हम लखीमपुर हाईवे के पास नेपालापुर में खड़े हैं। थोड़ी देर पहले इंडिया न्यूज ने कवर भी किया था और उसके बाद हाईवे पूरी तरीके से जाम कर दिया है। किसान लोगों ने धान लगा दिया है इस पर और देख सकते हैं कि पानी में बैठे हैं ये लोग, किसान यूनियन के लोग। हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। क्या मामला है, आप लोग पानी में बैठे हैं? मामला ये है कि 30 साल से नेपालापुर ये रोड नहीं बना, ये रोड शहर में ये रोड है। आखिर क्या वजह है? सरकार हमारी ईमानदार है, काम दमदार है, लेकिन ये संतरी मंत्री और ये सांसद लोग मिलके अगर इस रोड का पैसा खा गए हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया है तो इनको पैसा दिया जाए। जल्द से जल्द ये रोड बने। रोज यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। जो भी जितने बच्चे वाली महिलाएं जिला स्थान जाती है उनमें से 30 की जान यहाँ चली जाती है। इसकी शिकायत नहीं करी किसी अधिकारी से? इसकी 30 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं लेकिन पता नहीं क्या बात है, ये रोड नहीं बन रहा। और ये देखिए, एक तरफ सरकार करती है गतानुक्त और लेकिन ये गतानुक्त हो चुका, पानी भरा पड़ा। आप ये देख सकते हैं हमारे पीछे जो है ये लोग पानी में बैठे हैं और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है और पुलिस भी मौके पर आ गई है और लगातार इनको हटाने के लिए कहा जा रहा है लेकिन ये लोग अब हाईवे से हट नहीं रहे। जगह जगह जाम लग गया है जिसकी वजह से पूरी सड़क जलमग्न है पानी से। और अभी थोड़ी देर पहले किसान यूनियन ने यहाँ जी देख सकते हैं मोटरसाइकिल जी। सुधांशु, आपके पास लौटेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बारिश को लेकर यूपी में स्थिति भयावह बनी हुई है और प्रदेश भर में हो रही तेज बारिश के चलते लखनऊ की सड़कों का बुरा हाल है। कई इलाकों में भारी बारिश से जलभराव हो गया है। कुछ जगहों पर तो कॉलोनी के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह के घर में भी जलभराव हो गया है। लखनऊ से देखिए संवाददाता निकिता सरीन की ये रिपोर्ट। सूबे की राजधानी लखनऊ समेत कई इलाकों में पिछले दिनों भारी वर्षा हो रही है और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं राजधानी लखनऊ की तो कल रात से ही यहां पर भारी वर्षा हो रही है जिसके चलते हम अगर बात करें गोमती नगर इलाके की, जिसको बेहद पॉश इलाका माना जाता है और कई मंत्री का आवास है यहां पर, तो यहां पर भी चार चार फीट तक पानी भर गया है जिससे लोगों को बेहद समस्या हो रही है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री भी मौजूद हैं मोती सिंह, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, ये आपका घर है और सुना है कि जिस तरीके से भारी वर्षा हो रही है अंदर कमरों तक पानी भराया है। आप का जब आगमन हुआ जी। और आपके साथियों का जी। तो आपने खुद देखा है कि कमरे के भीतर गंदा पानी बेडरूम तक है जी। और आप के आने के घंटे पहले जी। दो घंटे पहले 2 फीट पानी तो कैंपस के भीतर था और कमरों में सब बेड और जो चीजें थी वहाँ 2 फीट पानी में था। पानी जैसे कि बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये पानी आप जो भरा है, लेकिन हमारे जो गोमती का लेवल अभी डाउन है और उसके बैराज हमने खोल दिया है तो स्थिति सर अभी कंट्रोल में है। तो उससे जितने हमारे 47 पंप चल रहे हैं तो कहीं भी ऐसा कोई फ्लडिंग की सिचुएशन जो मेजर की नहीं आती और लगातार नगर निगम की टीम और बाकी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा टीम है वो लगातार मूव पे
मूवमेंट पे है और हम लोग एक एक पॉइंट को जो देख रहे हैं जहाँ जहाँ इंटरवेंशन हम कर रहे हैं। तो फ्लडिंग ना हो इसके लिए महत्वपूर्ण इंतजाम किए जा रहे हैं, जिस तरीके से नगर आयुक्त जी से भी हमने बात की है और उन्होंने भी लगातार बताया है कि कई जोन्स में जो पानी है वो कुछ फीट नीचे जा चुका है। तो मौसम विभाग की टीम्स का भी यही कहना है कि फिलहाल अभी बेहद जरूरी हो तभी तक घर से निकलें और अपना बचाव जरूर करें, और हमारे माध्यम से आपको भी हम यही अलर्ट देना चाहते हैं कि फिलहाल बेहद जरूरी हो तभी घर से निकलें क्योंकि स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैंने किता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। और इसी के साथ आपको फिर से लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हमारे संवाददाता अरुण मौजूद हैं। अरुण, लखनऊ के कुछ पॉश एरिया भी हैं जहां पर पानी भर चुका है, जलभराव हो चुका है। अगर पॉश एरिया का ये इलाका है तो अगर ये हाल है तो आम इलाकों का क्या हाल होगा, इससे नगर निगम की क्या पोल खुलती हुई नजर आ रही है? ये देखिए, मैं इस समय मौसम विभाग में खड़ा हूँ। अभी अभी बात हुई है हमारी मौसम विभाग के वैज्ञानिक से, जिन्होंने कहा था कि हम लगातार 3 दिनों से अलर्ट जारी कर रहे हैं कि अगले 10, 11 और 12 तारीख को भारी बारिश होगी, जिससे 11 तारीख को राजधानी लखनऊ में ज्यादा बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन किसी भी नगर निगम के अधिकारी ने, अभी तक सफाई की बात की जाए तो कई करोड़ रुपए के नगर निगम के सफाई की व्यवस्था पे खर्च किए गए, लेकिन स्थिति ये है कि आज राजधानी लखनऊ के जो हाईकोर्ट है उनकी सड़कों पर कमर के पानी भर गया है। कई विधायक और मंत्री जो बहुत इलाका है गोमती नगर, वहां पानी भर गया है। तो स्थिति आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से पोल खुलता नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर नगर पंचायतें हैं वहां पर 90 रुपए की वारे जाने हुए हैं, लेकिन अगर सफाई की व्यवस्था की जाए तो मोहल्ला का क्षेत्र एक है जहां पर थाने से लेकर तहसील तक पानी भरा हुआ है, मंथरा में पानी भरा हुआ, पीटीआई के आप देखेंगे तो चरण भट्टा के पास पर पूरे कॉलोनी जो है तालाब में तब्दील हो गई है। लोग काफी परेशान है, लोग यही कह रहे हैं कि सफाई साफ पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि जब बरसात आती है तब अधिकारी सड़कों पर नजर आते हैं। इससे पहले न तो अधिकारी सड़कों पर नजर आता है और न कर्मचारी नजर आता है। अगर बरसात से पहले ही ये सब व्यवस्था की जाए तो ये स्थिति ना तो देखने को मिले जी। तो अब कहीं ना कहीं लापरवाही ज्यादा सुधा हो रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भी सख्त हुए हैं कि ऐसे जो भी लापरवाही है इनको पहले से चेतावनी दी जा चुकी है कि जहां यहाँ बारिश होगी और क्या टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि कहां कहां पर ज्यादा ज्यादा पानी हो रही है और किस किस विभागों से पोल खुलते नजर आ रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान किया जाएगा। उसकी रिपोर्ट अधिकारी जो है वो साधारण प्रशासन को भेजे। तो आज स्थिति ये है, लखनऊ में पूरे दिन पानी बरसने की उम्मीद बताई जा रही है मौसम विभाग से। स्थितियां ये भी है कि चेतावनी से मौसम विभाग जारी की कि अगर आवश्यक हो पानी घर से बाहर निकले, क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा है। अभी इंडिया न्यूज से यहाँ एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट की जो निरीक्षण किया तो वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां पर कुछ लोगों ने बताया कि सुबह से इतना ज्यादा पानी हो रहा भरा हुआ है कि यहाँ पर टैक्सी भी, जहाँ पर टैक्सियां खड़ी होती है वहां पे पानी भर गए हैं। तो स्थिति हर जगह, चाहे जहाँ देखिए, चाहे एयरपोर्ट हो, चारबाग स्टेशन हो, चाहे बस स्टॉप हो, हर जगह पानी है। और इस पानी की वजह से बिजली व्यवस्था भी काफी ध्वस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से लाइट नहीं आ रही है, कई ऐसे जगह है जहाँ तक देर रात से लाइट नहीं आ रही, तो ज्यादा पानी की वजह से जीवन अस्त व्यस्त है, लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से सुधांशु भी बने हुए थे, उनका भी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ समेत प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी है और बारिश के चलते तमाम स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। बारिश के बाद शहर के मुख्य मार्ग भी जलमग्न हो गए हैं। लखनऊ से देखिए संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। यूपी में मानसून में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी जारी की है कि अगले 2 दिनों तक 40 ऐसे जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश होगी और बिजली गिरने की संभावना भी जताई है। हम इस समय राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कल रात से जोरदार बारिश हो रही थी जिसके चलते कोतवाली से लेकर तहसील तक के सभी भर चुके हुए हैं, थाने भर चुके हैं पानी से। ऐसे कैसे लखनऊ में ऐसे कई स्कूल है जहां पर जोरदार बारिश होने की वजह से कल रात से हो रही थी जिसकी वजह से कई स्कूलों की बाउंड्री गिर गई है। जिलाधिकारी लखनऊ ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल बंद कर दिए हैं क्योंकि लखनऊ में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 12 घंटे तक जोरदार बारिश होगी। यूपी के कैसे ऐसे जिले हैं जहां पर जोरदार बारिश को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि अपने क्षेत्र में वो अब स्कूल भ्रमण करें और अगर बारिश ज्यादा हो रही हो तो स्कूल बंद कर दिया जाए।
यूपी में अगले दो दिनों तक मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है कि ऐसे जिले हैं जहां पर बिजली गिरने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। दो दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा, इसीलिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को यह भी सतर्क रहने के दिया है कि वो अपने घरों में रहें और पेड़ पौधों के नीचे ना जाएं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए अरुण चतुर्वेदी, लखनऊ। तो प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के बाद राजधानी लखनऊ में भी बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कहाँ जा रहे थे भैया? हजरतगंज जा रहे हैं भैया। कहाँ पे हैं इस समय? अभी तो खजाना चौराहे पे। अच्छा, मतलब खड़े क्यों है? आप एक बार घुमाइए, देखिए कितना पानी है। अच्छा, समझ में आ जाएगा। यहाँ से बाइक निकलना भी मुश्किल है। देखते हैं कैसे जाना है। ऊपर देखा, कई सालों से स्थिति बनी हुई है। कितनी सरकारें आई हैं और लास्ट दस साल से मैं तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ बस गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, नगर निगम कुछ नहीं करता है। जब बारिश होती है तभी ध्यान देती है, और बारिश खत्म उसके बाद सब साइलेंट रोड चले जाते हैं। जैसे बारिश पानी भरता है और चारों तरफ आशियाना में पानी भरा हुआ है, और नगर निगम के अधिकारी उसी समय दिखाई देंगे जब पानी भरा होगा। उससे पहले, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। बहुत बुरी स्थिति है। कई बार मेरी दुकान में पानी आया है। मैंने पहली बार यहाँ के पार्षद को फ़ोन किया था, उन्होंने मेरी नगर आयुक्त इंद्रमणि जी से बात कराई, उन्होंने अधिकारी भेजा, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। बस देखा है, कह रहे हैं फाइल बन गई है, लेकिन कोई काम नहीं किया आज तक। अब उनको कहते कहते थक गए हैं। सुषमा जी से भी मिल के आए हूँ, लखनऊ मेयर जो है सबसे मिल के आए हूँ, लेकिन काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। हरदोई में तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां शहरी लोग जल भराव से परेशान हैं, वहीं गांव के लोग और गन्ने की फसल के नुकसान को लेकर चिंतित हैं। हरदोई जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं, और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह बारिश होती रहेगी। और हरदोई के पौश इलाकों का जायजा लिया संवाददाता आलोक सिंह ने, ये रिपोर्ट देखिए। हरदोई में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते लोगों का जीना लगभग मुहाल हो चुका है। स्कूल यहां पर कक्षा 1 से 12 तक के बंद हैं, हालांकि कुछ स्कूल जरूर खुले हैं। हम इस वक्त हरदोई के पौश इलाके में खड़े हैं। नगेटा रोड है, यहां पर आरआर इंटर कॉलेज है, कई जो मेडिकल ये डॉक्टर्स हैं, यहां पर क्लिनिक है। और आपको बता दें कि बारिश आप देख लीजिए किस तरीके से हुई है। करीब काफी ज्यादा, जो जिस तरीके से वैज्ञानिकों ने बताया है कि अभी पिछले 3 दिन तक इस पूरे मंडल में, जिसमें कि हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर, उन्नाव और लखनऊ साथी जिले आएंगे, तो उसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बारिश का रुझान रहता है। और आपको बता दें कि इस बारिश के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तिलहन की फसल लगभग खत्म हो चुकी है, और गन्ने की फसल, जैसा कि अलर्ट है कि गन्ने की फसल उस टाइम पलट जाएगी अगर इसके बाद तेज हवा चलती है। तेज हवा न चले उसके लिए कोई प्रबंध है नहीं। बाकी नगर पालिका का अगर देखा जाए तो कूड़ा जो है वो मोमिया जो हम लोग डालते हैं, हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि जिन नालियों में हम कूड़ा डालते हैं या मोमिया या पॉलीथीन डालते हैं, वो उफना के बाहर आ गई है और हंस रही हमारी तरफ कि बेहयाई चाहे जितने कर लो हम मुस्कुराते रहेंगे। आलोक सिंह, हरदोई, इंडिया न्यूज। तो वहीं प्रदेश भर में हो रही बारिश के बाद लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते मोना और करनाली नदी का जलस्तर बढ़ा है। लखीमपुर खीरी से देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की ये खास रिपोर्ट। खीरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश होने से सड़कों पर निकलने वाहनों की भी रफ्तार कम पड़ गई है। अगर बात की जाए मैदानी इलाके की इंडो नेपाल बॉर्डर से सटे मोना व करनाली नदी की, तो वहाँ पर भी लगातार बारिश होने से मोना व करनाली नदी का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे ही अगर लगातार बारिश होती रही तो जाहिर सी बात है कि नदियों का जल स्तर बढ़ने से गांव में भी पानी भर जाएगा, जिससे लोग काफ़ी डरे हुए हैं। अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसमें ऐसे इसी तरीके से कई घंटों तक लगातार बारिश होती रहेगी। अक्षय कुमार, इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी। बहराइच में लगातार 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है, और ऐसे में राहगीरों को निकलने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश की वजह से बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों में भी दहशत बढ़ने लगी है। बहराइच से देखिए संवाददाता संजय मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।
मौसम परिवर्तन होने के साथ साथ में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मैं आपको अपनी दाहिनी तरफ दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और इसी जल जमाव की वजह से लगातार लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगले 24 घंटों तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं दुश्वारियां बढ़ रही हैं, लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके में रहने वाले जो लोग हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। वजह यह है कि लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है, ऐसे में तराई इलाकों में निश्चित तौर पर पानी का जल जमाव होगा, पानी भरेगा और बाढ़ की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो निश्चित तौर पर स्थिति भयावह होगी। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है लोगों को अलर्ट किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कि सुरक्षित रहें, घरों से बाहर न निकले, बहुत ही इमरजेंसी तो ही घरों से बाहर निकले। और लगातार जो जिले के अधिकारी हैं वो लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। जिला अधिकारी ने कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में साफ तौर पर लोगों से ये अपील की गई है कि लोग घरों से बाहर न निकले, बहुत ही जरूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। तो वहीं जनपद बहराइच में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और बहराइच का मेडिकल कॉलेज परिसर पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और मेडिकल कॉलेज परिसर में 2 से 3 फुट पानी भरने की वजह से मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज परिसर से देखिए संवाददाता संजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में देखने को मिला है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये पूरा अस्पताल परिसर है और ये सामने इमरजेंसी विभाग आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो पानी में से निकल करके आ रही हैं। सबसे अधिक परेशानी जो है वो मरीजों को हो रहा है, क्योंकि जो तीमारदार अपने मरीजों को लेकर के आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पे एक मरीज अभी आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा, अभी पानी में से निकल गए हैं, निकल के आप आए हैं, क्या परेशानी हुई है? परेशानी शायद दिक्कत बहुत हुई, हाँ कपड़े खराब है, घर से चले फिर ऑटो नहीं मिला हमका, गाड़ी से चली तो एक लड़की मना की दादा घर न जाओ लीजिए के लिए, फिर आए वापस तब ऑटो करके आए। निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं तीमारदारों को भी परेशानियां हो रही हैं, जो मरीज हैं उनको भी परेशानी हो रही है। देखिए ये एम्बुलेंस है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए एम्बुलेंस भी देखिए कहीं ना कहीं इसी पानी में फंस रही है और इससे अभी मरीज उतरेगा तो उसको काफी परेशानियों को झेलना पड़ेगा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये बारिश जो है लगातार 24 घंटे तक ऐसे ही रहेगी, ये मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है। देखने वाली बात ये होगी कि ये मेडिकल कॉलेज से जल जमाव की स्थिति कब खत्म होती है। संजय और लखनऊ में मौजूद हमारे संवाददाता अरुण ने मौसम वैज्ञानिक से खास बातचीत की है, देखिए। हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज इतने ऐसे जिले हैं, क्यों इतनी ज्यादा बारिश हो रही है? जैसे कि अगर हम जोरदार बारिश की बात करें तो लखनऊ समेत और जो लखनऊ के ऊपर के जो जगह है बाराबंकी, खीरी, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, उसमें भारी बारिश हो रहा है और ये आज एक्टिविटी चलेगी, जिसके लिए हमने आज रेड अलर्ट इशू किया हुआ है कि जो ये जो एरिया है उसमें बचाव की जरूरत है और ये एक्टिविटी आज के लिए चलेगी। कल से एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसका मेन वजह यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारे नॉर्थ एमपी में एन एडजोइनिंग रीजन में बना हुआ है तथा एक WD पास हो रहा है, दोनों के इंटरेक्शन से ये भारी बारिश की एक्टिविटी चल रही है। देखिए इससे नुकसान ये है कि कई जगहों में पानी भर जाएगा, लोगों को बचाव की आवश्यकता है और लोगों से यही गुजारिश है कि सामान को अपने ऊपर, अपने जो भी हो जितने ऊपर हो सके उतना ऊपर रखा जाए और अगर ज़्यादा पानी भरने का है तो कहीं सुरक्षित स्थान पर शरण लिया जा सकता है। ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश, जिन्होंने कहा है कि इस बार यूपी में लखनऊ जिला जो है सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट अभी मौसम विभाग ने जारी किया, आज भारी बारिश रहेगी, कल से जो बारिश कम है वो कम हो सकती है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए अरुण चतुर्वेदी। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश आफत के रूप में बरस रही है और इसी को लेकर योगी सरकार ने अहम निर्देश जारी किए हैं और इंडिया न्यूज भी आप सभी से अपील करता है अपने घरों में सुरक्षित रहने की। अभी के लिए बस इतना ही, देखते